हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे आज के तीन मस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। आज की अपडेट बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। ये अपडेट आपको जानकर बहुत ही खुशी होंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पहली जो अपडेट आई है यहाँ पे व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से आई है। देखिए पहले क्या था कि आप सिर्फ अपना व्हाट्सएप अकाउंट अगर आप एक पार्टिकुलर नंबर से बना रखे हैं तो उस नंबर से जो है आप दूसरा व्हाट्सएप ऐप दूसरे मोबाइल में यूज नहीं कर सकते थे। मगर अब यहाँ पे व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से जो है आप एक ही मोबाइल नंबर पे चार जो है अदर मोबाइल में भी जो है उस अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। ये सर्विसेस आपको व्हाट्सएप ऐप के द्वारा मिल रही हैं। यहाँ पे क्लियरली जो है नोटिफाई की गई है कि नाउ यू कैन यूज द सेम व्हाट्सएप ऐप अकाउंट ऑन मल्टीपल फोन। आप मल्टीपल फोन में जो है आप सेम व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे, चला पाएंगे। लिंक अप टू फोर अदर डिवाइसेस टू योर अकाउंट सो यू कैन इजियली स्विच बिटवीन फोन विदाउट साइनिंग आउट। बिना साइनिंग आउट के जो है आप इजियली जो है एक्सेस कर पाएंगे अपने व्हाट्सएप ऐप को चार अदर मोबाइल में भी। तो एक देखिए इसको कैसे करना है। देखिए इसका इस तरह का प्रोसेस वीडियो आपको मिल रही है। एड एंड पिकअप योर ओवन एनी फोन नाउ कैन यूज द फोर मोबाइल फोन। देखिए यहाँ पे लिंक टू एग्जिस्टिंग अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आपको प्रोसेस करके करना होगा। लिंक जो है आपका पहले का जो अकाउंट बनाया हुआ है उसी को लिंक करना है आपके अदर मोबाइल्स में भी, और आप सिंपली जो है व्हाट्सएप ऐप को जो है सेम मोबाइल नंबर से जो है इस एग्जिस्टिंग अकाउंट के माध्यम से जो है चार अलग मोबाइल फोनों में भी जो है आप व्हाट्सएप ऐप को जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो एक बड़ी अपडेट जो है यहाँ पे व्हाट्सएप ऐप के द्वारा आई है कि अब आप जो है व्हाट्सएप अपने चार मोबाइलों में भी एक्सेस कर पाएंगे सेम अकाउंट को। तो बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे व्हाट्सएप के द्वारा कि आप मल्टीपल फोन में भी जो है सेम अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट की। तो दूसरी अपडेट यहाँ पे आई है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो कंपार्टमेंटल की जो परीक्षा है उसकी जो है यहाँ पे पूरी शिफ्टिंग जो है यहाँ पे परीक्षा की जो है तिथि यहाँ पे जारी की गई है। किस डेट में जो है कौन सी परीक्षा होंगी, प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। तो जैसे कि परीक्षा जो है 10 मई 2023 बुधवार से स्टार्ट होनी है, तो प्रथम पाली में जो है यहाँ पे माध्यमिक कंपार्टमेंटल की जो परीक्षा होंगी प्रथम पाली में वो हिंदी की, 102 बंगला की, 103 उर्दू की, 104 मैथिली की, 9:30 बजे से 12:45 बजे तक प्रथम पाली की परीक्षा होंगी। उसी तरह से द्वितीय पाली में जो है यहाँ पे 105 संस्कृत की, 106 हिंदी की, 107 अरबी की, 106 फारसी की एवं 100 108 फारसी की है सॉरी 109 भोजपुरी की जो परीक्षा होंगी 2 बजे से 5:15 तक जो है परीक्षा होंगी। उसी तरह 11 मई 2023 को जो है 112 विज्ञान की परीक्षा होंगी 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, और यहाँ पे जो है 125 संगीत केवल जो है विकलांग विद्यार्थियों के लिए, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए जो है 9:30 बजे से 12:15 बजे तक होंगी यहाँ पे संगीत की। और यहाँ पे दूसरी पाली में 111 सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होंगी 2 बजे से 4:45 तक। उसी तरह से 12 मई को जो है यहाँ पे 110 गणित की परीक्षा होंगी 9:30 बजे से 12:45 तक, और दूसरी पाली में 113 अंग्रेजी की परीक्षा होंगी 2 बजे से 5:15 बजे तक। यहाँ पे दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए गृह विज्ञान की परीक्षा होंगी 9:30 बजे से 12:45 तक, 12:05 को। उसी तरह से 13/5/2023 को ऐच्छिक विषय में जुड़ लेते हैं, उच्च गणित का जो है परीक्षा होंगी, 115 वाणिज्य की, 116 अर्थशास्त्र की, 121 फारसी की, 122 संस्कृत की, 123 अरबी की एवं 124 मैथिली की जो है परीक्षा होंगी 9:30 बजे से 12:45 तक। और यहाँ पे जो है आपको 117 ललित कला की भी होंगी, 118 गृह विज्ञान की, 119 नृत्य की एवं 120 संस्कृत की भी परीक्षा होंगी 9:30 बजे से 12:15 बजे तक। इसकी डिटेल्स यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है यहाँ पे परीक्षा का पाठ्यक्रम कार्यक्रम जो है यहाँ पे जारी की गई है। चलिए बात करते हैं तीसरी अपडेट की। तीसरी अपडेट आधार के तहत आई है कि आपको अगर आधार में करेक्शन करानी है, न्यू आधार बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे एक्सेप्टेड होंगे उसकी पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे जारी की गई है UDAI के तहत, जो इस तरह से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल जो है, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट। अगर आपका बच्चा जो है ये 0 साल से 5 साल तक है तो उसको आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में जो है क्या क्या देने पड़ेंगे, अगर उनको आपको आधार कार्ड बनाना है तो कौन सी डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्टेड है, तो वो है बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं,
इंडियन फॉरेन पासपोर्ट जो है अगर है तो वो दे सकते हैं, एक्सेप्टेबल है। पासपोर्ट ऑफ नेपाल भूटान, नेपाल भूटान नेशनलिटी इन केस ऑफ पासपोर्ट इज नॉट अवेलेबल, अगर पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है नेपाली सब का तो यहाँ पे नेपालेस भूटानलेस सिटीजन सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे जो है आप जारी कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो है और इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो है यहाँ पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो है दी गई है कि अगर बच्चे का कुछ नहीं है तो आप जन्म प्रमाण पत्र के साथ जो है उनके पेरेंट्स का जो है आधार कार्ड वो दे सकते हैं, तो उसका भी जो है आधार बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है कि आपका जो है बच्चा जो है 5 साल से ऊपर का है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आप उसमें इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड का नाम जो है बच्चे का अगर ऐड है तो वो दे सकते हैं, वोटर आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं, पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो है CGHS ECGH की जो है डिजेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है तो वो भी दे सकते हैं, कोई भी फोटोग्राफ अटैच आइडेंटिटी कार्ड है तो उसको भी आप दे सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं, SC ST OBC सर्टिफिकेट दे सकते हैं, मार्कशीट दे सकते हैं मैट्रिक इंटर का, तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्टेड है। उसी तरह से यहाँ पे जो है लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट डेवलप, अगर आपका बच्चा 5 साल से ज़्यादा का है तो अगर न्यू आधार आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी डिटेल्स यहाँ पे पूरी दी गई हैं। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे टोटल जो है आपको 30 टाइप की जो है डॉक्यूमेंट्स को आप जो है दे सकते हैं और जो एक्सेप्टेड है आपको आधार इनरोलमेंट में अपडेशन में, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप आधार में अपडेट कराना चाहते हैं सभी ग्रुप का जितना भी एज के हैं 0 से लेके 50-60 साल तक, अगर आधार में जो है अपडेशन करना चाहते हैं तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड है वो देख सकते हैं, पासपोर्ट देख सकते हैं, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड, पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, किसान फोटो पासबुक देख सकते हैं, CGHS का जो कार्ड है वो देख सकते हैं, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट देख सकते हैं, फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं, SC ST OBC सर्टिफिकेट दे सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, मार्कशीट दे सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे बैंक के अकाउंट का स्टेटमेंट दे सकते हैं, MP MLA MLC म्यूनिसिपल काउंसिलर का वो दे सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, वाटर बिल दे सकते हैं, टेलीफोन बिल दे सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट दे सकते हैं, वैलिड रजिस्ट्रेशन सेल एग्रीमेंट दे सकते हैं, गैस कनेक्शन बिल का दे सकते हैं, अलॉटमेंट लेटर ऑफ एकोमोडेशन इशूड बाय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत दी गई है उसकी आप डिटेल्स दे सकते हैं, लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑथोराइज अथॉरिटी के तहत जो बना हुआ है आपका बर्थ सर्टिफिकेट वो दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे लिस्ट में जो है जारी की गई हैं, वो सारी डॉक्यूमेंट जो है 40 प्रकार के डॉक्यूमेंट जो है आप दे सकते हैं, आधार एनरोलमेंट अपडेट सब जो है पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, तो इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और इसका जो है लिस्ट का डॉक्यूमेंट का जो है ये आपका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इसी तरह की न्यू अपडेट जो है जानने के